बीजेपी के सेक्रेटरी अपने किनिकर सर जी, उनका मूल्य टाइम निकाल कर वो हमारे के पावर फिल्म एकेडमी का ओपनिंग करने के लिए आए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दो सब वो बोले। धन्यवाद। आज मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि मैं एक सर्वसाधारण अपनी कल्पनाओं को लेके गांव से लेके उड़कर इस बंबई में बसा कैलाश पवार, इसके के पवार फिल्म अकादमी का मैं आज उद्घाटन किया और उसका उद्घाटन हुआ ये प्रथमता घोषित करता हूँ। आज मेरे साथ में महाराष्ट्र के फिल्म कामगार के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष सन्माननीय विजय सरोज है, वैसे सभी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मेरे साथ सभी ये फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां है और इन्हीं के साथ मैं उद्घाटन करने आया हूँ। कैलाश बहुत मेहनती बच्चा है और मैं उसको एक शुभकामनाएं देने के लिए औरंगाबाद से, खास संभाजीनगर से यहाँ आया हूँ। मुझे आज खुशी इसलिए हो रही कि मैं कामगार अघाड़ी का कई साल महाराष्ट्र का अध्यक्ष रह चुका हूँ, अभी नेशनल बॉडी पे काम करता हूँ और कामगार जगत में सबसे बुरे हाल किसके होंगे तो चित्रपट सृष्टि में काम करने वाले, नाट्य सृष्टि में काम करने वाले जो वर्कर है, कामगार है, उसमें स्पॉट बॉय हो, कैमरामैन हो, इन लोगों की हालात को देख के एक मन में दुख सी भावना उभर आई थी क्योंकि ये बंबई में वसे बाहर के लोग जिनकी आज भी, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म दिलाई है और बड़ी बड़ी फिल्म को मार्केट दिलाया है, लेकिन जिन्होंने मार्केट दिला ऐसे वर्करों का मार्केट चले गया है और उनकी हालत, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए इस फिल्म जगत में, जिन हीरो ने, उन हीरो के दर्शन के लिए जो काम कर रहे थे, उस कैमरामैन, मेकअप मैन, स्पॉट बॉय और सभी कामगार वर्ग, इनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि मैं एक हरदम बोलते रहता हूँ, इन तीनों में इन ये कामगारों का भ्रमण चल रहा है और वो भ्रमण बोले तो एक साहूकारी बीमारी और नशेखोरी, नशा साहूकारी बीमारी, नशा करने के लिए पैसा लेना और वो नशे की वजह से बीमार होना, ये जो मैं देखा, मैं घूम के देखा हूँ फिल्म स्टूडियो में, वो गोरेगांव में क्यों, क्या लोगों के हाल है, रहने को जगह नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कोई सरकार की स्कीम उनके तक नहीं गई है, ये बहुत बुरे हाल है। आज आप कैमरा लेके खड़े रहते हो लेकिन एक कैमरा अगर आप उस घर पे लेके गए कि जिन्होंने धर्मेंद्र की पिक्चर निकाली थी, अमिताभ की पिक्चर निकाली थी, जिन्होंने राजकुमार की पिक्चर निकाली थी, उस कारागिर को आपने अगर ढूंढ के निकाला तो उसकी हालत क्या है, क्या है बोलो तो, 20-20 25-25 सालों से चित्रपट युग में काम करने वाले कामगार को उसका हक का घर नहीं मिला, हक का राशन कार्ड नहीं मिला। हम एक तरफ बोलते पेट को अनाज, कपड़ा, मकान, लेकिन आज परिस्थिति वैसी नहीं रही, मकान तो मिला ही नहीं, शिक्षा नहीं मिल रही है, आरोग्य की कोई सुविधा नहीं मिल रही है इन कामगारों को, तो ये करने के लिए आज हम कामगार आघाड़ी को कैलाश पवार को जैसे को हमने सेक्रेटरी बनाया। भाई कोई भी चीज को तू फिल्म इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर, लेकिन इस चीज को मुद्दे नजर रख कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के तरफ तेरा बेदखल होना नामुमकिन है, तो बेदखल नहीं होना है,
उनको लेके काम कर। इसलिए इस सामाजिक सुरक्षा को लेते हुए आज इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, जिसमें पंत प्रधान बीमा योजना का विमोचन भी किया है, उसका काम भी किया है, पंत प्रधान सुकन्या योजना का काम किया है, जीवन ज्योति बीमा योजना का काम किया है। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा कामगारों की बन चुकी है, और उस सामाजिक सुरक्षा से उसको कभी भी कोई घटना में उसको उसके इलाज के लिए पैसा मिल सकता है, उसके शिक्षा के लिए पैसा मिल सकता है, उसका जीवन मान सुधारने के लिए पैसा मिल सकता है। ये 5,000 लोगों का काम इस कैलाश पवार ने महाराष्ट्र के अध्यक्ष विजय सरोज के इनके नेतृत्व के नीचे किया है, और इसका मुझे अभिमान है और भारतीय जनता पार्टी को भी अभिमान है। हम प्रथम था, प्रथम देश, फिर समाज, फिर पार्टी और फिर मैं, ये संस्कार से हम चल रहे हैं, और यही संस्कार से आज इंस्टीट्यूट का हमने उद्घाटन किया। निश्चित स्वरूप से ये प्रोफेशनल चलेगा, लेकिन सोशल प्रोफेशनल चलेगा कि सामाजिक बांधिलकों को देखते हुए नजर करते हुए हम ये स्टूडियो चलाएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय। बीजेपी चित्रपट कामगार आघाड़ी के जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं श्री विजय जी, और नेशनल सेक्रेटरी जो सर हैं संजय किनिकर सर, उनके नेतृत्व में हमने 5,000 भारतीय जनता पार्टी के चित्रपट आघाड़ी के और कामगार आघाड़ी के भारत देश के सेक्रेटरी श्री संजय किनिकर सर के नेतृत्व में, श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में, और हमारे महाराष्ट्र के कामगार आघाड़ी चित्रपट आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय सरोज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5,000 जो कलाकार हैं उन लोगों का भारतीय पंत प्रधान बीमा सुरक्षा बीमा योजना का कार्य करवाया, उनको फॉर्म्स दिया, उनको बैंक में उनका मेडिक्लेम 2,000-2,000-2,00,000 का करवाया है। आप कलाकार कामगार दोनों का भी, और सभी आप लोगों के लिए भी फॉर्म लेके आए हैं, जो भी है ये योजना का लाभ लीजिए। हमारे माननीय पंत प्रधान जी ने काफ़ी लोगों के लिए ये योजनाएँ दी है, तो हमारा हाँ ये योजना है पंत प्रधान सुरक्षा बीमा योजना, जो भी कुछ होता है इंसिडेंट तो उसके लिए 2,00,000 रुपये की, और पंत प्रधान सुरक्षा बीमा योजना 2,00,000 का मेडिक्लेम है। आप कौन से भी बैंक में जाओगे, कौन से भी बैंक में जाने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और वो फॉर्म लेके आपको वहीं के वहीं सबमिट करना है। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को पता नहीं था, हम लोगों कलाकारों को हमारे चित्रपट आघाड़ी के माध्यम से 5,000 लोगों का काम करवाया है किनिकर साहब के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में। ये सब लोगों की लिस्ट है, आज काफ़ी लोगों को मेडिक्लेम, जो हमारा कलाकार आज प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसे मेडिक्लेम के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कार्य हम मृत्यु के लिए कैसे मिलेगा? नहीं, मृत्यु के लिए अलग 2,00,000 का इंश्योरेंस मिलेगा, और मेडिक्लेम भी बोल रहा हूँ मैं, पंत प्रधान बीमा ज्योति योजना मेडिक्लेम भी है। आप 2,00,000 रुपए का सर्व आजार, हाँ पंत प्रधान आयुष्मान योजना है वो भी 5,00,000 रुपए का, वो भी योजना है। आप बैंक में जाके फॉर्म्स आपको सिर्फ पूछना है, हमें ये करना है, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। ये लाभ हम सब लोगों ने लेना चाहिए, जरूरत मुझे सभी नेशनल बैंक में। ये अभी कोई फेडरेशन नहीं ऐसा कार्य करिए, संजय जी के मार्गदर्शन में ये कदम हम लोगों ने जी आपको बताता हूँ। जनधन कार्ड खोलो, जनधन कार्ड को और आधार कार्ड को ये सब लिंकअप है, आप बैंक में जाके सब आपको योजना मिलेगी, सभी प्रकार के योजना नेशनल बैंक में आप जाओगे फॉर्म्स बोलोगे तो वो आपको फॉर्म्स दिया जाएगा और ये किया जाएगा। सेकेंड थिंग, मैं और केनिकर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों के लिए कुछ CM साहब को बोल के कुछ ना कुछ और योजना बनाए, ताकि जो समस्या पीड़ित परिवार है, जो कलाकार है उनको कुछ लाभ मिले। फिल्म सिटी में कुछ ये कुछ हॉस्टल की कुछ जो अनाथ है, जो कलाकार उनके अंदर छुपी है, और वो हॉस्टल अगर 2 हॉस्टल का अगर वो करते हैं तो बहुत बड़ी बात। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने लेटर भी लिखा है किनेकर साहब को कि वो CM साहब को बोल के फिल्म सिटी में 2 हॉस्टल बनाए, जो कि इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो आ नहीं पाते फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से। तो मैं इनको सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर, और विश्वास भी है मुझे किनेकर साहब ज़रूर देवेंद्र जी को, नितिन जी को बोलकर वो पक्का कर फिल्म सिटी में 2 हॉस्टल बनवाने की कोशिश ज़रूर करवाए करेंगे। नहीं, शिंदे साहब तो है वो, हम एक CM हमारे देवेंद्र जी है,
फील। तो संजय केनिकर सर का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कीमती वक्त हमको दिया और यहाँ पे आए और हमें मार्गदर्शन किया है। और पवार साहब का ये जो स्टूडियो है, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्ट्रगल नए लोग आते हैं और नए लोग जो स्ट्रगल करने यहाँ पे आते हैं, तो उन्हें मिसगाइड बहुत किया जाता है हमारे इंडस्ट्री में। उनसे पैसे लिए जाते हैं, 5 लाख 10 लाख 4 लाख हम आपको शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो उसका वो ध्यान रखें और उनको मार्गदर्शन करें। और हमारा तो यही कहना है कि कामगारों का हमारा ये है कि जैसे हमारे भाजपा चित्रपट कामगार आघाड़ी है, ये बेसिकली दूसरे यूनियन की जैसे नहीं है कि हम कार्ड लेके पैसे लेके हम उनको कार्ड देते हैं। हमारा एक ऐसा यूनियन है जो हम पैसे नहीं लेते और एक्चुअली हम सबको हेल्प करते हैं इसमें। और मेंबरशिप फ्री है हमारा, जो भी है मेंबरशिप फ्री है। सुविधा ये जो हमारी जो योजना है, जनधन योजना है सर, जो गवर्नमेंट का योजना है वही हम ले रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में हम कोई पैसा किसी से लेते नहीं है ना। जो भी हमारे जो कार्ड के पैसे लगते हैं 20,000-25,000 जो भी लगते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं लेते। सबसे प्लस पॉइंट हमारे जो अध्यक्ष साहब ने बोले कि हम कोई फेडरेशन का कार्ड जैसे मेंबरशिप नहीं देती, ये सबसे बड़ी बात है सर। आज फिल्म सिटी में काम भी करना है तो आपको कार्ड चाहिए, और विदाउट कार्ड को आपको फिल्म सिटी में एंट्री नहीं। तो अध्यक्ष साहब ने जो कहा, आज कार्ड हमारे चित्रपट कामगार आघाड़ी अगर दे रही है तो ये सबसे बड़ी बात है सर। और सबसे पहली बात तो हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है, कोई भी फेडरेशन अगर किसी को भी काम करने से रोकती है तो भाजपा चित्रपट कामगार आघाड़ी वहाँ पे दमदार से खड़ी रहती है। और ऐसा नहीं है, भारत देश में हम कहीं भी काम कर सकते हैं, हमें मतलब किसी को राइट्स नहीं है कि किसी का काम रोकने के लिए। अगर ऐसा अगर आप लोग के नज़र में कोई आता है तो डायरेक्ट हमें आप कॉल कीजिए, हम उनकी मदद करेंगे। आपको एक बताता हूँ, ऑफलाइन लो ना तो ऑनलाइन लो, कुछ बात नहीं है, लेकिन चर्चा ऐसी बात है। यहाँ बम्बई में एक धंधा चला है फेडरेशनों को कि कार्ड देना, बाहर से जो बच्चे आते हैं दिमाग में हीरो बनने का रहता है, तो सब कुछ लुटा देने में बैठे हुए रहते, तो इतनी लूट कुछ फेडरेशन करवा लेते हैं इन लोगों से। तो वो उसको रोक लगाने के लिए कोई फेडरेशन का कार्ड हम बोले तो जो देने का होते हो, लेकिन हमारे फेडरेशन का कार्ड नहीं है। जिसको सही कलाकार है उसको संधि मिलना चाहिए, और वो संधि का उसको कुछ करना आना जरूरी है, इसलिए हमने उसको सपोर्टिंग, हमने कोई ऐसा पैसा लेके काम नहीं करने का हमने तय किया है। और ये एक बैटर भी है, भगवान दत्तात्रेय के जीवनी पे ये मूवी बनी है। हमारे इंडस्ट्री में मराठी मूवी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट 40 लाख सब्सिडी देता है। एक्चुअली इस मूवी में हम सभी काफ़ी कलाकारों ने सब मिलकर ये मूवी प्रोड्यूस किया है, बनाया है, 7 स्टेट में शूटिंग किया है, अलग अलग परंपराओं में जाके शूट किया है। और इसमें हमारे मूवी में श्री आदरणीय अन्ना हजारे ने भी इस मूवी में किरदार किया है, और अमृता फडणवीस जी, उनका एक सॉन्ग भी है। सो ये दोनों फेस को देख के मेरे मूवी को कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा मैं, ये दो लोगों को देख के मेरे मूवी को समिति वाले को बोल के, गवर्नमेंट समिति को, तो इसको रिजेक्ट किया गया है। आप मैं सोचना, मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों को कि तुम कितने दिन ऐसे एक मराठी फिल्म जो डिवोशनल है, धार्मिक मूवी है, जो हमारे संस्कृति को बढ़ावा देती है, इस मूवी को आप अगर अनुदान के लिए अगर उसको रिजेक्ट करते हो, ये नंगे बुंगे मूवी के लिए आप उनको बड़ापन देते हो, उनको अनुदान देते हो, तो सो मैं चाहूँगा कि आप कोई अच्छे मूवी शॉर्टलिस्ट करके उसको बढ़ावा दो प्रोड्यूसर को, और उसे अच्छा मूवी बनाने के लिए, हमारी जो भगवान की मूवी आजकल बनी नहीं रही है, कहाँ है हम, और उस मूवी को आप रिजेक्ट करने के लिए ये करते। मैं आज बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन साहब ने मना किया है, मैं बोलना चाहता था काफी। क्यों कि मेरा समझ नहीं, क्या सा कहा कि उन्होंने कि हाँ रिजेक्ट किया है कि देखो मैंने एक टॉपिक, देखो यहाँ पे है अन्ना हजारे जी ने अभी तक 50 साल में मूवी नहीं देखी है। मैं बीजेपी का चित्रपट आघाड़ी का महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ, यहाँ पे ये भी देखा जाता है, यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय को नहीं देखा गया है, यहाँ पे 7 स्टेट में शूटिंग है, यशराज में शूटिंग किया, नितिन गडकरी जी के हाथ से पोस्टर लॉन्च किया मूवी का। अगर तुम ऐसे ऐसे धार्मिक मूवी को अगर रिजेक्ट करते, तुम कौन से सरकार तुम्हारा टिकेगा, और तुम बड़े बड़े
खुद को टाइगर समझ के, एक महाराजा समझ के तुम बड़ी बड़ी स्पीच दोगे काम के तौर। हमारे आज कितने कलाकारों ने सुसाइड की है, 57 कलाकार जो हमारे साथ लिस्ट है, हमें हमारे किसी कलाकार के ऊपर कोई नहीं बोलता है। तुम्हारे अलग ही बोलते हो, अलग ही कार्य कर रहे हो। अरे तुम इधर देखो, तुम्हारा कार्य लोगों को दिखता है, बोलने वाले सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कार्य। आज हमें फील हो रहा है कि ऐसे मूवी को अगर तुम लोग नहीं देखो तो हम जैसे प्रोड्यूसर कहाँ खड़े होंगे, और खड़े नहीं होंगे तो आगे कैसे इंटरटेनमेंट होगा। गलत महाविकास आघाड़ी ने पिछले समय गलत विचारधारा को ज्यादा पलपने दिया है, सही विचारधाराओं को ऊपर आने से रोका है। सही विचारधारा जिस संस्कृति से हम जुड़े हैं, हिंदू संस्कृति से, उस हिंदू संस्कृति को पलने के लिए जगह भी नहीं रखे थे। और उसी दरमियान जो बड़े बड़े महाविकास आघाड़ी के नेता थे, मैं किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, टीका करना चाहता, क्योंकि वो जगह नहीं है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं ने इसको विरोध किया है, क्योंकि वो जिस विचारधारा से चल रहे थे उस विचारधारा को उनको बढ़ावा देना था, हिंदू संस्कृति की विचारधारा को बढ़ावा नहीं देना था, इसलिए उन्होंने रोक दिया। आपको बताऊं, इस देश में ये ऐसा समय आया है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर का जो उद्घाटन किया है पंतप्रधान मोदी ने, तो लोगों की ये देश कहा जा रहा है, किस तरह जा रहा है, उस दिन देखा है लोगों ने महादेव की भक्ति करते हुए पंतप्रधान को, तो हम किस विचारधारा के हैं, उस दिन समय ये चालू हो गया है और अच्छा पर्व चालू हो गया है, तो ये तो होने वाला है। मैं अनीता वर्मा, पहले सबको नमस्कार करती हूँ। मैं अनीता वर्मा क्राइम कंट्रोल की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं कैलाश जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एक बार कैलाश जी से मिल के गई थी कैलाश जी से, और उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोला था। मैं उसी दिन से मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इतने यंग एज में आपका दिमाग इस सात्विक में कैसे चले गया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोल के एक प्रोजेक्ट दिखाया था। वो देखने के बाद मैं पूरी महाराष्ट्र के क्राइम के ऊपर मैं कहीं ना कहीं कहीं भी मैं छापा मारती हूँ, और कहीं भी मैं अनेकों लोगों को मैंने पुलिस के हवाले किया है। लेकिन मेरे ये आदमी से मिलने के बाद मुझे ये मूवी और ये अंधेरी जगह के नाम से ही मुझे मालूम था कि यहाँ खाली करप्शन होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने कैलाश जी को मिलने के बाद मेरी पूरी सोच बदल गई, और मैंने उनको बोला आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के ओपनिंग में जो भी मेरे तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट होगा मैं करूँगी, और आपके साथ हाथ में हाथ मिला के मैं खड़ी हूँ। तो इसके लिए मैं कैलाश जी का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। और सर के बारे में क्या बोलना, अब इनकी सरकार आई है तभी सर का पावर हम लोग देखेंगे। अपनी सरकार आई है तो अपनी सरकार में पावर भी हम लोग को देखना है। सर पावर पेपर भी मत लाना सर, ओरिजिनल लाइफ में ले आना सर। और मैं ये पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सर ने बोला ना, मैं भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक अच्छा खासा डोनेशन देने वाली हूँ, जो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मूवी थिएटर के जिन लोगों का नाम चले गया उनके लिए मैं दूंगी, जो प्रेजेंट में वो लोग काम करके अपना दिखा दें। सबसे पहले आप सब पत्रकार भाइयों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद मैं कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा इस एकेडमी के लिए, और संजय केनेकर साहब आए हैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जो कि बेकार जो बेरोज़गार हैं, जो पुरानी फिल्में, संजय साहब ने बोला कि जो पीछे पुरानी फिल्में बनती थी उनमें जो काम कर रहे थे आज उनको काम नहीं मिल रहा, तो बहुत सपोर्ट करें संजय जी, कैलाश जी को अपॉर्चुनिटी मिली है, कैलाश जी को बखूब निभाएं और अच्छा नाम हो अकेडमी का, लोग अच्छे अच्छे लोग जुड़ें, जो बेरोज़गार उनको काम मिले, यही हमारी शुभेच्छा है। धन्यवाद। मैं अनीता वर्मा, पहले सबको नमस्कार करती हूँ। मैं अनीता वर्मा क्राइम कंट्रोल की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं कैलाश जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एक बार कैलाश जी से मिल के गई थी कैलाश जी से, और उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोला था।
मैं उसी दिन से मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इतने यंग एज में आपका दिमाग इस सात्विक में कैसे चले गया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोल के एक प्रोजेक्ट दिखाया था, वो देखने के बाद मैं पूरी महाराष्ट्र के क्राइम के ऊपर मैं कहीं ना कहीं कहीं भी मैं छापा मारती हूँ और कहीं भी मैं अनेकों लोगों को मैंने पुलिस के हवाले किया है। लेकिन मेरे ये आदमी से मिलने के बाद मुझे ये मूवी और ये अंधेरी जगह के नाम से ही मुझे मालूम था कि यहाँ खाली करप्शन होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। मैं अनीता वर्मा, पहले सबको नमस्कार करती हूँ। मैं अनीता वर्मा क्राइम कंट्रोल की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं कैलाश जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एक बार कैलाश जी से मिल के गई थी,